छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बस्तर के एनएमडीसी स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने की आ रही खबरों के बीच बड़ा बयान देते हुए केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने मिलकर छत्तीसगढ़ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बस्तर में एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का फैसला बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक है। कांग्रेस सरकार द्वारा जो जमीन सरकारी उद्योग के लिए दी गई थी, अब कयास है कि उसका इस्तेमाल निजी उद्योग के लिए होगा। ये छत्तीसगढ़ में सरकारी रोजगार पर चोट करेगा। आरक्षण से वंचितों को मिलने वाली सहायता से विहीन कर दिया जाएगा। पहले सरकार के नाम पर जमीन और संसाधन का नियंत्रण लेना और फिर उसका चुपके से निजीकरण करना प्रदेशवासियों के साथ उच्च दर्जे का धोखा है। एक अखबार में 16 तारीख के अखबार में प्रकाशित हुआ है कि गवर्नमेंट ने नगरनार प्लांट जो एनएमडीसी का था उसे एनएमडीसी के पेरेंट बॉडी से डीलिंक कर दिया और उसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो मार्केट में आ जाएगा। कि जब एनएमडीसी से डीलिंक आपने कर दिया तो केवल ये जो नगरनार का प्लांट है इसकी बिक्री हो सकेगी, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वहां के साथियों की आवाज को बल देते हुए वहां बस्तर क्षेत्र में सभी का ये कहना था कि ये बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, हमारी जमीनें ली गई हैं इत्यादि, और नौकरी के लिए हमको आश्वासन दिया गया है अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो नौकरियां पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी और हमने जमीन ही नहीं दी थी इस बात को ध्यान में रख के कि प्राइवेट को हमारी जमीन चली जाएगी। तो ये गलत तरीके से सरकार का रवैया कि हम खरीद रहे हैं, सरकार पब्लिक के लिए खरीद रही है, पब्लिक के लोगों को नौकरी मिलेगी, आरक्षण भी लागू होगा, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, और बाद में फिर पीछे के दरवाजे से इसको निजी क्षेत्र में दे दिया जा रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि 20 अक्टूबर 2023 अमित शाह जी चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने यहाँ बयान दिया था, स्पष्ट रूप से कहा था कि नगरनार प्लांट प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा। तो आज ये क्या है कि किन कारणों से वही सरकार, वही अमित शाह जी जिन्होंने भारत सरकार की ओर से, हम लोग मानते हैं कि ये बयान छत्तीसगढ़ की धरती पे दिया था कि नगरनार का प्लांट निजी क्षेत्रों में नहीं जाएगा, आज उनके आने के ठीक पहले 16 तारीख को अखबार में प्रकाशित होता है कि नहीं, ये डीलिंग कर दिया गया है और अब 2 महीने के अंदर इसके लिए बोली बुलाई जाएगी और ये निजी हाथों में दिया जाएगा। तो ये